नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में जो एग्ज़ाम होंगे बिरस पोस्ट के लिए, उसी के रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये नोटिफिकेशन जो है ये 24 तारीख को आ चुका है और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये चेक कर सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम होगा वो सबसे पहले रहेगा लाइब्रेरी असिस्टेंट का, और ये जो एग्ज़ाम होगा ये 28 तारीख को होगा। और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट का, ये भी 28/3/2021 को होगा। और अगली बात करेंगे हम क्लर्क की, जो क्लर्क का एग्ज़ाम होगा वो 2/4/2021 को होगा। और उसके बाद जो है स्टेनोटाइपिस्ट का जो एग्ज़ाम है वो भी 2/4/2021 को होगा, ये इवनिंग शिफ्ट रहेगा इसका। और जो अगला पेपर है वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट का, और ये होगा 4/4/2021 को। और उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट एग्ज़ाम की, जो है फील्ड असिस्टेंट का, और ये होगा 11/4/2021 को। तो बहुत से व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि उन्हें जो है एडमिट कार्ड अभी तक घर में नहीं पहुंचा है, तो बता देना चाहता हूँ कि जो भी एडमिट कार्ड है आपको बाय पोस्ट आपके घर पहुंच जाएगा टाइम से। और अगर आपके पास जो है आपका एडमिट कार्ड नहीं पहुंचता है तो आप जो है इस इनकी वेबसाइट पे आके यहाँ से सबसे पहले जो है COVID-19 का जो है गाइडलाइंस डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको डाउनलोड हो जाएगा। और मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकें। तो इस तरीके का जो है ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। और जो दूसरा है वो है ब्लैंक आइडेंटिटी कार्ड का फॉर्मेट, तो आप ये जो है ये भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके का डॉक्यूमेंट ये रहेगा, ब्लैंक रहेगा, और ये जो है आपको खुद भरना है। और देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे किस तरीके का ये फॉर्मेट रहेगा, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें रोल नंबर कहाँ से भरें, तो रोल नंबर भरने के लिए जो है आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे रहेगा लाइब्रेरी असिस्टेंट का, तो यहाँ से PDF डाउनलोड करके आप अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं और इस अपने जो है आइडेंटिटी कार्ड को फिलअप कर सकते हैं। अगर जिनका बाय पोस्ट घर में एडमिट कार्ड नहीं पहुँचता है वो इस तरीके से अपना एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे सिलेबस के बारे में। बहुत से व्यूअर्स कमेंट में पूछ रहे हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, और वो जानना चाहते हैं कि फील्ड असिस्टेंट और साथ में लेबोरेटरी अटेंडेंट का सिलेबस क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ कि ये जो सिलेबस है आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, और स्क्रीन वीडियो को रोक के आप सिलेबस पढ़ सकते हैं। बट एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जिस तरीके से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा उसमें क्लियर आपको बताया गया है कि 70% जो क्वेश्चन रहेंगे वो कंप्यूटर के रहेंगे और 30% जो क्वेश्चन है वो जनरल स्टडीज़ के रहेंगे। बट इनमें जो है जो फील्ड असिस्टेंट है और साथ में है लेबोरेटरी अटेंडेंट का पेपर, तो इसमें आपको क्लियर बताया नहीं गया है कि वेटेज क्या रहेगा फील्ड असिस्टेंट के जो सिलेबस है उसका, और जनरल स्टडीज़ का क्या वेटेज रहेगा। अगर आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि किस तरीके का पेपर आ सकता है फील्ड असिस्टेंट का, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबोर्डिनेट बोर्ड हमीरपुर की वेबसाइट पे जाके जो है फील्ड असिस्टेंट का पेपर डाउनलोड करें, और ये पेपर का पोस्ट कोड रहेगा 573। जी हाँ, तो आप लेबोरेटरी सॉरी फील्ड असिस्टेंट का 573 पोस्ट कोड जो है पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और खुद एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आने की उम्मीद है और कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की, ये रहेगा लेबोरेटरी अटेंडेंट का सिलेबस, जो है इसमें बताया गया है स्क्रीन पे, आप वीडियो पॉज करके ये सिलेबस पढ़ सकते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि क्लियर आपको बताया नहीं गया है कि जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट का जो है सिलेबस कितना परसेंटेज रहेगा और कितना जो है जनरल स्टडीज़ का रहेगा। तो अगर आप इस पेपर का एनालिसिस खुद करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिर से लेबोरेटरी अटेंडेंट का पेपर जो है सबॉर्डिनेट बोर्ड हमीरपुर की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो पोस्ट कोड रहेगा वो रहेगा 639। उम्मीद है आप सभी को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो ज़रूर से कमेंट में बताएं, और उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।